कार न्यूज सुपर सेवन देख रहे हैं आप और मैं हूं सुधांशु। इस वक्त हम मौजूद हैं दाऊद नगर नासरीगंज पुल के नीचे और गांव का नाम है खिरियाँव। यहां पे काफ़ी तादाद में लोगों की संख्या आपको दिख रही होगी, जिधर आप देख रहे हो उधर लोग दिखाई दे रहे होंगे, स्थानीय पुलिस दिखाई दे रही होगी, NDRF की टीम, SDRF की टीम रेस्क्यू कर रही है। वजह मैं आपको बता देते हूँ कि क्यों आखिर ये आपातकाल की स्थिति वाली टीम खिरियाँव में मौजूद है। दरअसल बात यह है कि दो दिन से खिरियाँव का रंजन कुमार लापता था और परिजन उसको जितना कोशिश हो सकता था ढूंढने का प्रयास किए, लेकिन बच्चा जब नहीं मिला तो कुछ कल बुधवार के दिन यहाँ पे पुल के समीप किसी ने देखा एक बच्चे का हाथ हिलाते हुए, तो रंजन कुमार जो कि इस खिरियाँव का रहने वाला है वह इस पुल के दोनों खंभों के बीच फंस गया है। तत्काल रूप से स्थानीय पुलिस और लोगों की सूचना के अनुसार NDRF और SDRF की टीम रेस्क्यू करने पहुंची। मैं आपको बता दूं कि बच्चों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ऑक्सीजन भी काफ़ी मात्रा में यहां पे ला के रख दिया गया है, ऑक्सीजन बच्चे को दिया जा रहा है, खाने के लिए जैसा कि बताया गया बिस्किट पानी भी दिया जा रहा है बच्चों को। थोड़ी देर पहले बच्चे काफ़ी वो अपना मूवमेंट दिखा रहा था, हाथ पैर हिला रहा था, उसके अनुसार उस बच्चे की जो भी सुरक्षा पूर्वक हो सकता है उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि तीन से चार फीट पुल को काटा भी गया है, लगभग अनुमान है कि 10 फीट काटा जाएगा और बच्चे तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद है कि SDRF और NDRF की टीम जिस तरीके से रेस्क्यू कर रही है बच्चे को सकुशल निकालने का प्रयास करेगी, प्रयास जारी भी है। हालांकि जैसा कि अभी की खबर बताया जा रहा है कि बच्चे मूवमेंट कम कर रहा है, जैसा कि पहले कर रहा था वो नहीं कर रहा है अभी, लेकिन फिर भी टीम लगी हुई है, रेस्क्यू लगातार कर रही है। लोग काफ़ी संख्या में जुटे हुए हैं, जो स्थानीय है, जो ग्रामीण है, और स्थानीय पुलिस की भी सहयोग यहाँ पे काफ़ी तत्परता के साथ मौजूदगी है, टीम भी आ रही है। मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 12:30 बजे लाइव अपडेट आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो अभी रेस्क्यू जारी है, ऑक्सीजन है, बच्चों की हर मदद की प्रयास भी टीम कर रही है। तो क्या इस खबर पे अपडेट आता है हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे, अभी परिजन से भी मिलने का प्रयास करेंगे, परिजन अगर मिलते हैं उनसे भी बात करेंगे कि कैसे आखिर बच्चा इस दो पुल के बीच में आके फंस गया। जैसा कि मैं आपको बताया कि रंजन कुमार जो दो खंभों के बीच में अभी फंसा हुआ है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, NDRF SDRF की टीम भरपूर प्रयास कर रही है कि बच्चों को निकाला जाए, सकुशल निकाला जाए, ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में यहाँ लाया गया, बच्चों को ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है। उसके पिताजी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे कि आखिर कैसे बच्चा यहाँ आ गया और यहाँ पर कैसे फंसा, ये भी थोड़ा सा सोचने वाले विषय है। क्या नाम हुआ आपका? शत्रुघ्न प्रसाद। शत्रुघ्न जी, कैसे फंस गया बच्चा, यहाँ पर कैसे आ गया? सर ये तो मालूम नहीं कि यहाँ सर कैसे आके इसमें फंस गए, तो हमारे को भी मालूम नहीं है। घर से कब निकला था? घर से सर दो तीन दिन हो गया। ठीक है सर, तो आया खेलते खेलते उसको पता नहीं चला होगा तो इधर भटक के आ गया, हम लोग उधर। आपको कब पता चला कि वो यहाँ पे है? हमारे को कल पता चला मतलब हाँ। दो दिन बाद आपको पता चला? हाँ, एक दिन बाद मतलब एक दिन बाद पता चला। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद में इधर हम ढूंढने के लिए आए, मंगराऊँ इधर जो महदेवा है, आत्मीगंज, जमालपुर, इधर ढूंढे, सब जगह ढूंढे तो पता चला महदेवा कि इधर ही तुम्हारा बच्चा गया है। अच्छा, गया तो हम इधर ढूंढे, नहीं मिला, तो फिर इसके बाद में हम चले गए घर पे। तो घर पे जाने के बाद सोचे कि एक घंटे के बाद फिर आएंगे, ठीक है, इधर उधर दाऊन अगर कहीं नहीं निकल गया होगा तो इधर हम ढूंढेंगे। फिर इसके बाद जैसे जाकर मुँह धो के अभी खाना खा रहे थे, खा के जैसे बैठे तब तक इधर से फ़ोन गया, हमारे घर के पास में मनोज नाम है उनके, वो जाके बताए कि ऐसा ऐसा बात है कि तुम्हारा बच्चा पुल में जाके फंसा हुआ है जी, कि जल्दी जाओ। तो फिर हम लोग वहाँ से दो तीन आदमी उसी टाइम आए, तो यहाँ पे आके अपना बच्चा को पहचान किए तो देखे कि हाँ मेरा बच्चा है इसमें फंसा है। तो गांव वाले जो थे आस पड़ोस के लोग अपना मतलब की कोशिश कर रहे थे उसको निकालने का, लेकिन वो सब कामयाब नहीं हुए, नहीं निकाल पाए। फिर इसके बाद में शाम को करीब 8 बजे के करीब SDRF की टीम आई, फिर ऊपर से फिर
छत तोड़ने की वो लोग कोशिश किए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं टूट पाएगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद में ये जो NDRF की टीम है ये आई, वो जो होल वो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तोड़ते और निकालने का प्रयास कर रहे हैं, अभी जारी है। अभी सुबह तक देखे कि बच्चा को मतलब कि बोल रहे थे, आवाज़ दे रहे थे, आवाज़ आ रहा था। हाँ, तो आवाज़ दे रहा था, बोल रहे थे, उसके नाम से रंजन से बुला रहे थे कि ये पकड़, जैसे पानी वानी तो पकड़ ले रहा था। अब तो मुंडी उसका मुंडी था तो ऐसे झुका हुआ था, झुका हुआ था हाथ में, तो एक हाथ ऐसे दबा हुआ है, उसका कमर फंसा है और ये सीना भी ऐसे ऐसे करके ऐसे फंस गया है, मुंडी ऐसे फंस गया है, दिख रहा है सब। हाँ, दिख रहा था, टॉर्च जला के देखे तो पानी तो पी नहीं पाता था, कोई चीज़ तो एक हाथ से ऐसे पकड़ता था, तो खाने का भी जो है तो वहाँ पे सही ढंग से पकड़ ही नहीं पाता था, तो खाना पीना भी नहीं। लेकिन अब कुछ देर के बाद, एक घंटे के बाद, एक डेढ़ घंटे पहले देखे तो सिर्फ हाथ हिला रहा है, इसके बाद बोल उल उतना नहीं रहा, बोल नहीं रहा, नहीं रहा। ठीक है, तो अभी पिताजी उसके बता रहे थे कि किस तरीके से बच्चा का अभी स्थिति है। एक दिन बाद इनको पता चला कि बच्चा यहाँ फंसा हुआ है, चूँकि ये अपने स्तर से जितना हो सका जांच करने का अभी प्रयास किए, अगल बगल के गांव में भी ढूंढने का प्रयास किए, तो अभी रेस्क्यू जारी है। स्थिति काफ़ी मतलब नाजुक बना हुआ है कि बच्चे को आखिर सकुशल कैसे निकाला जाए। जिस तरीके से पुलिया को तोड़ने का प्रयास भी कर रही है टीम, स्थानीय प्रशासन हो, NDRF हो, SDRF हो, हर लोगों ने भरपूर मदद किया है इस मामले में। तो आपके साथ हम बने रहेंगे इस खबर पे, आप भी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल लेते हैं विदा, धन्यवाद।